इस कायनात की तख्लीक के सिलसिले में इंसानों में दो नजरिए हैं, दो विचारधाराएं हैं। अव्वल ये कि ये पूरी दुनिया एक धमाके से बनी है, खुद ब खुद बनी है। एक धमाका हुआ था और उस धमाके से ये पूरी दुनिया बन गई है। ना कोई इसका बनाने वाला है, ना इसका कोई हदफ है, ना इसका कोई मकसद है। एक दिन ऐसे ही एक धमाका होगा और फिर ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ना तो इस दुनिया का कोई मकसद है और ना ही इस दुनिया में आने का कोई मकसद है। आए हो, खाओ पियो मौज करो, चले जाओ। ना कोई पूछने वाला है, ना जांचने वाला है, ना हिसाब है, ना किताब है, ना जजा है, ना सजा है, ना जन्नत है, ना जहन्नम है, कुछ नहीं। यह है मादी नजरिया। आज भी आपको इस नजरिए के अफराद मिलेंगे आपको, और बड़ी तादाद में मिलेंगे कि जो इस कायनात के सिलसिले में यह नजरिया रखते हैं। इसी के मुकाबले में इलाही नजरिया है, और ये जो इलाही नजरिया है, इस नजरिए के मानने वालों का मानना यह है कि यह दुनिया खुद ब खुद नहीं बनी है, इसको किसी ने खल्क किया है, और जो इस दुनिया का खालिक है वही हमारा भी खालिक है। और यह दुनिया बगैर हदफ और बगैर मकसद के खल्क नहीं हुई है। इस दुनिया का एक हदफ है, इस दुनिया का एक मकसद है। जिस तरीके से दुनिया का एक हदफ और मकसद है, वैसे हमारा भी इस दुनिया में आने का एक हदफ है, एक मकसद है। हम भी बगैर मकसद के इस दुनिया में खल्क नहीं भेजे गए हैं। अब यहीं के ऊपर सवाल पैदा होता है कि अगर हमारा दुनिया में आने का एक हदफ है, एक मकसद है, तो उस मकसद तक कोई पहुंचाने वाला भी होना चाहिए, उस मकसद को कोई बताने वाला भी होना चाहिए। उस मकसद को बताने वाले और उस मकसद तक पहुंचाने वाले ही को रसूल और इमाम कहते हैं। सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस मकसद को बताने वाले को और उस मकसद तक पहुंचाने वाले को रसूल कहते हैं, इमाम कहते हैं। जो फरीजा इन तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में आने के बाद अंजाम दिया, जनाब आदम से लेके खत्मी मर्तबत हबीब खुदा अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शानदार सिलसिला है। जितने भी अंबिया आए हैं, तमाम अंबिया की तबलीग का एक मुश्तरक किरदार रहा है, और वो मुश्तरक जो किरदार था तबलीग का, वो क्या था? अल्लाह एक है, मैं उसकी तरफ से रसूल बनकर आया हूं, और देखो कयामत आएगी। ये वो अकीदा है कि जनाब आदम से लेकर खत्मी मर्तबत तक तमाम अंबिया ने इस अकीदे की तबलीग की है। एक, लोगों को अल्लाह से करीब करना, दूसरे लोगों को यह बताना कि मैं अगर के तुम में से हूं लेकिन तुम जैसा नहीं हूं, मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिए आया हूं और तुमको लेने के लिए आया हूं, तुमको बताने के लिए आया हूं, तुमको दिखाने के लिए आया हूं। और ये अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब अबस है, बेकार है, बगैर मकसद के है, बगैर हदफ के, तो ऐसा भी नहीं है। कयामत आएगी, आखिरत है, आखिरत में तुमसे इस दुनिया में जो कुछ भी तुमने किया होगा, अच्छा किया होगा तो अच्छा, बुरा किया होगा तो बुरा, सब सामने आएगा। जजा भी है, सजा भी है, जन्नत भी है, जहन्नम भी है, सिरात भी है, मीजान भी है, आसानियां भी हैं, सख्तियां भी हैं, सब कुछ है।
तो जितने भी अंबिया आए हैं सब ने इन तीन अकीदों को लोगों के सामने पेश किया है। यहां पर आयतुल्लाह उस्मा मरहूम आगाए खुई रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने एक लतीफ नुक्ते की तरफ इशारा किया है। हमारे यहां आमतौर से बयान होते हैं कि उसूल दीन पांच, उसूल दीन पांच, बचपन ही में बच्चे को तालीम दी जाती है, अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, पांचवें कयामत। मरहूम आगाए खुई फरमाते हैं कि इन पांच उसूल दीन में तीन है उसूल दीन और दो है उसूल मजहब। हो सकता है कि कोई नया फतवा हमारे ऊपर लग जाए, हमारे ऊपर ना लगाइएगा, आगाए खुई ने उनकी जो गुजराती वाली तौज़ीहुल मसाइल शायद आज भी कहीं किताबों में रखी हो, तो आगाए खुई की तौज़ीहुल मसाइल की खासियत यह थी कि जहां उनमें मसाइल थे, अहकाम थे, हलाल हराम बयान हुए थे, वहीं साथ ही साथ अकायद का बयान शुरू में, बिल्कुल जब आप शुरू करते, जैसे ही तौज़ीहुल मसाइल आप खोलते तो सबसे पहले अकायद का बयान था, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, कयामत, दीन, अहकाम, शरीयत, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। फिर उसके बाद फिर अहकाम शुरू हुए हैं। और यहीं से एक बात समझ में आती है कि अकीदा जो बहस, बहुत से लोग कहते थे नहीं बस जवान क्या भाई साहब, ये तो अकीदे की बात है, इसमें किसी की चलती वलती नहीं है। क्यों नहीं चलती है? अगर कोई ये समझ रहा है और ये सोच रहा है कि ये अकीदे की बात है, इसमें चलती वलती नहीं है, तो अकीदा कोई मनमानी या खुद अपने मन से गढ़ लेने का नाम थोड़े है, अपने मन से बना लेने का नाम थोड़े है, अपने मन से समझ लेने का नाम थोड़े है। अकीदा भी हमारा वही अकीदा होना चाहिए जो कुरान ने बयान किया है, हमारा अकीदा भी वही अकीदा होना चाहिए जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमको बताया है, और उन्होंने हमको जिस अकीदे की तालीम दी है वही अकीदा है। तो इस वजह से जरूरी हो जाता है कि अगर अकीदे की गुफ्तगू जब हो तो अकीदे में भी हम ये देखें कि इस सिलसिले में कि जो हम जिस चीज को मान रहे हैं, जो चीज हम समझ रहे हैं, इस सिलसिले में कुरान क्या कह रहा है, मासूमीन अलैहिस्सलाम के इरशादात क्या हैं। हां, अगर हमारा अकीदा कुरान के मुताबिक है, मासूमीन अलैहिस्सलाम के इरशादात और उनकी सीरत के मुताबिक है, क्या कहना, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर कहीं ना कहीं से कुरान मजीद की तालीमात के खिलाफ या मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत और उनकी तालीमात के बरखिलाफ है, तो फिर हमें अपने अकीदे का जायजा लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं से बहरहाल हम रॉन्ग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से हम गलत जा रहे हैं, और हमको अपने अकीदे की इसलाह करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम जैसा चाहे अल्लाह को मान ले, नहीं, हम अल्लाह को वैसा ही मानना है जैसे कुरान ने बताया है। ऐसा नहीं है कि हम रसूलुल्लाह को जैसा चाहे मान लें, जैसा चाहे वैसा नहीं मान सकते हैं, रसूलुल्लाह को वैसा ही मानेंगे जैसा कुरान ने कहा है। मासूमीन अलैहिस्सलाम को, अइम्मा अथहार अलैहिस्सलाम को जैसा चाहे वैसा मान ले, नहीं, जैसा खुद पैगंबर ने हमको बताया है, दिखाया है, वैसा ही मानना है। कयामत के मुतालिक ऐसा नहीं कि अपना मनमानी अकीदा हम बना लें, आखिरत के मुतालिक, आखिरत के मुतालिक भी हमारा वही अकीदा हो कि जो कुरान ने दिखाया है, जो बताया है और मासूमीन ने हमको दिखाया है। तो अकीदे की गुफ्तगू इसमें मरहूम खुई साहब फरमाते हैं कि इसमें जो तीन है, ये है उसूल दीन, तौहीद, नबूवत और कयामत। कोई भी उसूल, क्योंकि हमारा जो एक है दीन और एक है मजहब, दीन हमारा क्या है, अगर सवाल हो किसी भी इंसान से, किसी मुसलमान से, किसी शिया से, कि दीन क्या है, तो अगर किसी मुसलमान से सवाल हो कि दीन क्या है, तो ये हम्बली और शाफई और मालिकी और ये सब और जाफरी और बाकी दूसरे ये जो फिरके हैं, ये दीन नहीं है। जब सवाल होता है कि आपका दीन क्या है, तो दीन है इस्लाम। दीन हमारा क्या है, इस्लाम। जब हमसे सवाल हो कि हमारा मजहब क्या है, दीन अलग है, मजहब अलग है, दीन अलग है, मजहब अलग है,
जब हमसे सवाल हो कि दीन क्या है तो दीन इस्लाम है, जब सवाल हो कि मजहब क्या है तो मजहब हमारा शिया इसना अशरी है। एक सलावात भेजते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब शायद बात ज्यादा वाजे हो जाए आपकी खिदमत में कि दीन इस्लाम मजहब शिया इसना शरी। मरहूम साहब क्या फरमाते हैं कि ये तीन अकीदे हैं, तौहीद, नबूवत और कयामत, ये है उसूल दीन। यानी कोई भी इंसान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता कि जब तक कि अल्लाह को एक न माने, पैगंबर खतीम मर्तबत की नबूवत का इकरार न करे और कयामत के ऊपर यकीन न रखे। अगर इन तीनों अकीदों में से किसी एक अकीदे से भी हटता है तो फिर वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। इन तीन अकीदों के ऊपर अकीदा रख के हम मुसलमान तो हो सकते हैं लेकिन साहिब ईमान नहीं हो सकते। साहिब ईमान होने के लिए अल्लाह को एक मानने के साथ साथ हमको उसको आदिल भी मानना है और पैगंबर खतीम मर्तबत को अल्लाह का आखिरी नबी मानने और तस्लीम करने के साथ साथ पैगंबर खतीम मर्तबत के बाद इस सिलसिले इमामत को भी तस्लीम करना है जिसकी पहली कड़ी अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल गालिब हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और आखिरी कड़ी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ है। सलावात भेज दे मोहम्मद वाले। तो अजीजाने मोहतरम, तो अगर दुनिया बगैर मकसद के नहीं है और हम भी इस दुनिया में बगैर हदफ और मकसद के नहीं हैं, तो कोई हो कि जो हमारा हदफ बताए, कि जो हमारा मकसद बताए और हमको मकसद तक पहुंचाए, उस मकसद को बताने वाले और मकसद तक पहुंचाने वाले ही को नबी कहते हैं, उस मकसद को बताने वाले और मकसद तक पहुंचाने वाले ही को रसूल कहते हैं। जो फरीजा तमाम अंबिया ने और बिलखसूस पैगंबर खत्ती मर्तबत ने, मैंने कल जुमे में भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि बतौर अहसन अदा किया इस फरीजे को पैगंबर ने, बतौर अहसन अदा किया। वल्लज़ी बअअथ फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हमने पैगंबर को भेजा ही इसीलिए है ताकि वो आयात इलाहिया की तिलावत करें, नफ्सों को पाक करें और किताब और हिकमत की तालीम दें। जो पैगंबर का फरीजा था, पैगंबर खतीम मर्तबत ने अपनी हयात में इस फरीजे को बतौर अहसन अंजाम दिया। और ऐसे ही नहीं बल्कि इस सिलसिले में आपने जहमतें उठाई, तकलीफें गवारा की। तो अजीजाने मोहतरम, वो हिदायत का सिलसिला जो जनाब आदम से शुरू हुआ जब पैगंबर खतीम मर्तबत तक पहुंचा, तो पैगंबर की जिंदगी के दो हिस्से हैं, एक बेसत से पहले का हिस्सा और एक बेसत के बाद का हिस्सा। ये जो बेसत से पहले वाला हिस्सा है ये 40 साल है और ये जो बेसत के बाद वाला हिस्सा है ये 23 साल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा आमतौर से बाज मुसलमानों का मानना है कि ये जो बेसत के बाद वाली जिंदगी है बस यही हमारे लिए काबिल नमूना है, यही हमारे लिए काबिल अमल है और यही हमारे लिए मिसाल है। नहीं, हमारा अकीदा यानी हम शियों का अकीदा यह है कि बेसत के पहले और बेसत के बाद की जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। जो पैगंबर बेसत के बाद हैं वही पैगंबर बेसत से पहले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन 40 सालों में अल्लाह की तरफ से पैगंबर को अभी हुक्म नहीं मिला है तबलीग करने का, मक्के में अलल ऐलान अल्लाह की तरफ बुलाने का। 40 साल के बाद पैगंबर को जब हुक्म मिला कि अब आप खड़े हो जाइए और अब आप लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दीजिए, तो पैगंबर ने 40 साल के बाद दावत देना शुरू की। सिर्फ फर्क इतना है, वरना पैगंबर के अखलाक में, किरदार में, रफ्तार में, गुफ्तार में, जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। और अगर फर्क होता तो जाहिर सी बात है कि बेसत से पहले ये कुफ्फार और मुशरिकीन आपको सादिक और अमीन न कहते,
ये बेसत से पहले इन कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का का पैगंबर खतीम मर्तबत को सादिक और अमीन कह के पुकारना और खिताब करना बता रहा है कि पैगंबर की सदाकत में न तो पैगंबर की बेसत से पहले और न पैगंबर की बेसत के बाद कोई फर्क नहीं है, न पैगंबर की अमानतदारी में बेसत से पहले और बेसत के बाद में कोई फर्क नहीं है। जो पैगंबर बेसत से पहले सादिक थे वैसे ही पैगंबर बेसत के बाद भी सादिक हैं, और जो पैगंबर बेसत से पहले अमीन थे वो बेसत के बाद भी अमीन है। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पैगंबर खतीम मर्तबत ने अपनी मुख्तसर सी इस तबलीगी हयात में, इस तबलीगी दौर में, मैं अक्सर आपकी खिदमत में कहा करता हूं 23 साल का अरसा कोई बहुत ज्यादा अरसा नहीं है। आप अपने घर में किसी अपने भाई के ऊपर, किसी अजीज के ऊपर, किसी पड़ोसी के ऊपर, किसी दोस्त पर काम करना शुरू कीजिए, उसका नजरिया कुछ है, आपका नजरिया कुछ है, उसका मजहब कुछ है, आपका मजहब कुछ है, उसका दीन कुछ है, आपका दीन कुछ है, जरा बात करके देखिए, बरसों लग जाएंगे समझाते समझाते खाली एक इंसान को, और उस एक इंसान को आप हम फिक्र नहीं बना सकते हैं, एक इंसान को हम नजरिया नहीं बना पाएंगे, एक इंसान को अपने मजहब और अपने दीन पर नहीं ला पाएंगे, बरसों गुजर जाएंगे, बरसों। और पैगंबर खतीम मर्तबत ने क्या किया, 23 सालों में खाली एक दो नहीं, हकीकत में पूरे अरब को बदल दिया, सिर्फ मक्के मदीने को नहीं पूरे अरब को बदल दिया, और अरब भी नहीं बल्कि पैगंबर की हयात ही में इस्लाम अरब की सरहदों को पार कर चुका था, अरब की सरहदों को पार कर चुका था इस्लाम। अब जाहिर सी बात है कि जो इस्लाम अरब की सरहदों को पार कर चुका है तो जरूरत थी कि उसके लिए ऐसे ही मुहाफिज हो कि जैसे पैगंबर खतीम मर्तबत हैं, और इसी के तहत अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म दिया था कि पैगंबर आप उस पैगाम को पहुंचा दीजिए कि जो आप पर नाजिल किया जा चुका है, और अगर आपने ये ना पहुंचाया तो गोया कारी रिसालत अंजाम न दिया। और इसी ऐलान के बाद पैगंबर खतीम मर्तबत ने मौला अमीरुल मोमिनीन को गदीर के मैदान में 120,000 के मजमे में अपने हाथों पर उठा के मजमे को दिखा के फरमाया था, मन कुंत मौला हो फहाज़ अली मौला। और यहां से जो सिलसिला चला, इसी सिलसिले की छठी कड़ी है हमारे छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। बस अजीजान मोहतरम, मैंने अपनी बात पूरी कर दी, खाली बस एक जुमला और बस खत्म और दुआ। अमीरुल मोमिनीन से लेके इमाम जमाना तक 250 साल होते हैं, 250 साल अमीरुल मोमिनीन से लेके इमाम जमाना तक, 250 साल में हुकूमतें बदली हैं, हाकिम बदले हैं, हुकूमतों के अंदाज बदले हैं, हाकिमों के तरीके बदले हैं, लेकिन इन 250 सालों में अगर कोई चीज नहीं बदली तो वो है इमामों का किरदार, वो है इमामों का अखलाक, वो है इमामों की रफ्तार, और वो है इमामों की गुफ्तार। अमीरुल मोमिनीन से लेके इमाम जमाना तक इन 250 सालों में जमाना तो बदल गया, हुकूमतें तो बदल गई, हाकिम तो बदल गए, हुकूमतों और हाकिमों के अंदाज बदल गए, लेकिन क्या कहना इस सिलसिले इस्मत का कि जो पहले का किरदार था वही आखिरी का, वही औसत का, जो पहले का अंदाज था वही औसत का, वही आखिर का, जो पहले की गुफ्तार थी जो पहले की, वही औसत की, वही आखिर की। शायद यही वजह है कि पैगंबर ने फरमाया अव्वलोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, और हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
इन दो मोहम्मदों की आमद आमद के ऊपर, इन दो सादिक की आमद आमद के ऊपर, दो अमीन की आमद आमद के ऊपर आइए उस परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते हैं, बार इलाहा इन दोनों मासूमों के वास्ते से हमेशा खुशियां नसीब फरमा, दिलों से हर किस्म के रंज और गम और दर्द और तकलीफ को दूर फरमा। बार इलाहा मोमिनीन जहां जहां भी आबाद है उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, खास करके जिस तरीके के आज मिडिल ईस्ट में हालात हैं माबूद, इन हालात में खास करके वो तमाम सिपाहियान इस्लाम रजबंदगान इस्लाम की जो आज दुश्मनान इस्लाम से नबर्द आसमां है खत मुकदम के ऊपर है, माबूद इन सबको कुवत ताकत और गलबा अता फरमा। दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान दीन को बिलखसूस अमरीका और इसराइल और उसके तमाम इत्तेहादियों को दलील ख्वार और नीस तो नाबूद फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र और निफाक को सरनिगू फरमा। बार इलाहा मोमिनीन जहां जहां भी आबाद है उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, उलमा और मराजे की हिफाजत फरमा। जो मोमिनीन मरीज हैं आज की इस निहायत मुबारक तारीख और दिन के वास्ते से उन सबको शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा। जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो दुनिया से रुख्सत हो चुके उनकी मगफरत फरमा। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के गुलामों और उनके नासिरों में शुमार फरमा। हम सब की तमाम दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा फरमा। व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनु सल्लु अलैहि व सल्लमु तस्लीमा। السلام عليك يا مغيث الشيخ والزمار في يوم الجزاء،
السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا روحي وجسمي لك الفدا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزمرك وجعلنا من عوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم.